ભાઈ આ ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ તો ભારે ગરી છે પહેલા ફ્લાઇટ કેન્સલ થાય ઘડીક ફ્લાઇટ ડિલેટ થાય અને આમાં પેસેન્જરો વચ્ચે અટવાય છે ગઈકાલે જ એક વિડીયો વાયરલ થયો હતો જેમાં પેસેન્જર ગુસ્સામાં આવી અને પાયલોટને લાફો મારી દે છે બીજા દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે ગોવાથી દિલ્હી જઈ રહેલી ઇન્ડિગો ફ્લાઇટમાંથી જ્યાં 12 કલાક ફ્લાઇટ મોડી પડી 10:45 ફ્લાઇટ ટેકઓફનો સમય હતો જે રાતે 10:06 ટેકઓફ કરી ગોવા એરપોર્ટથી એને ટેકઓફ કર્યો પણ એની વચ્ચે બધા જ પેસેન્જરો એટલા ગુસ્સામાં આવી ગયા કે વિમાનની બહાર ઉતરી અને જે એરક્રાફ્ટ હતું ત્યાં પાર્કિંગમાં જે લોકો બેસી ગયા 15 સેકન્ડના આ વિડીયોમાં બેકગ્રાઉન્ડમાં દેખાઈ શકે છે કે અન્ય ફ્લાઇટ પણ ત્યાંથી ટેકઓફ કરી રહી છે તો યાત્રીઓની સુરક્ષાને લઈને પણ ઘણા બધા સવાલો થઈ રહ્યા છે અને આ મામલે ઇન્ડિગો ફ્લાઇટે માફી પણ માંગી દીધી છે આ તો માત્ર ગોવા મુંબઈ અને દિલ્હીની ફ્લાઇટોના દ્રશ્યો હતા પરંતુ ગુજરાતમાં પણ કંઈક એવી જ હાલત છે સાહિત્યકાર અને મોટિવેશનલ સ્પીકર જય વસાવડાએ એક્સ પર એક પોસ્ટ કરી જેમાં એક વિડીયો શેર કર્યો વિડીયોમાં ગુસ્સે થયેલા મુસાફરો ઇન્ડિગો ફ્લાઇટના મેનેજર અને એર હોસ્ટેસ સાથે વાત કરતા દેખાય છે કે ભાઈ અમારું બોર્ડિંગ થઈ ગયું છે અમારું લગેજ પણ લેવાઈ ગયું છે અને હવે તમે એમ કહો છો કે ફ્લાઇટ કેન્સલ થઈ છે તો એ વિડીયો પર પણ નજર કરીએ हुआ तो आगे से मुझे क्यों नहीं, दिया गया आप कैंसिल करते हो चेक इन करते हो लगेज लेते हो बोर्डिंग पास इश्यू करते हो आप बताइए आप अपने अपना अपना पल्ला झाड़ देते हो कल से परेशान हो आप बताइए मुझे भेजिए दिल्ली से वो आप मुझे भेजिए वहाँ तो काउंटर वाले को यहाँ पे बुलाओ आप मुझे काउंटर वाले को यहाँ पे बुलाइए काउंटर वाले को यहाँ पे बुलाइए ये कोई तरीका है सर सिस्टम वाला कहता है तो हम भी कस्टमर है ना आपके पैसे देके बैठे हैं यहाँ पे उनको यहाँ पे बुलाइए यहाँ पे नहीं होटल तो बोलते हैं कि इधर आओ परेशान हो और अगर ये कल से चल रहा है तो आप चेकिंग क्यों करते हो क्यों चेकिंग करते हो आप नहीं चेकिंग नहीं करते और आपने अभी तो ऑन टाइम दिखा रहे थे तो बुलाइए उनको यहाँ पे बुलाइए हम नहीं जाएंगे वहाँ पे यहाँ पे बुलाइए यहाँ पे बुलाइए उनको कैंसल आपने क्या वहाँ बुलाओ ना यहाँ से हम बार बार इधर उधर करते रहेंगे क्या यहाँ पे आपके आपको मैंने बुलाना है नहीं 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 हम क्यों हम हिलेंगे ही नहीं यहाँ से हमें उससे मतलब नहीं है आप हमें बुलाए मतलब आप आधे लोग को इधर आधे लोग को उधर वैसे भेज रहे हो ये नहीं चलेगा ना हम उधर जाएंगे कल से परेशान तो आपके सीनियर पर्सन को बुलाओ जो जवाब दे सके कि हम कैसे जा सके राजकोट हाँ मैंने तो बता ही रहा हूँ मैं परेशान किया है बिल्कुल नहीं चलेगा आप इधर जो भी करना है इधर ही करो कल से परेशान कर रखे कल 8 बजे का एयरपोर्ट आया हुआ हूँ न खाने को न कुछ न बैठा रखे हैं ये है? ये अभी मुझे बोले दूसरा को कोई काम नहीं है कोई काम धंधा छोड़ के सब इंडिगो की सेवा के लिए बैठे हैं हम सब यहाँ पे आएगा नहीं नहीं काउंटर वाले को यहाँ पे बुलाओ उनको बुलाओ उनका आपके सीनियर पर्सन को बुलाओ जो जो रीजन दे हमें एक्सप्लेनेशन दे ऑप्शन क्या है ऑप्शन के लिए वहाँ पे जाओ कैंसलेशन के लिए वहाँ पे जाओ इंडिगो ने पैसेंजर को ताबान कर दिया है परेशान कर दिया है ऐसा करके वीडियो वायरल करो बिल्कुल इतना लोगों को परेशान किया है मालूम है भाई साहब सीट पर भी बहुत लोग परेशान है मरीज परेशान है बहुत परेशान है मैं कल से परेशान हूँ इसका भी स्पीच ले लो कल से परेशान हूँ कल 8 बजे से आया हुआ एयरपोर्ट बताओ अब वहाँ टीट ऊपर ऐसा मंजर है डायलिसिस वाले कैंसर वाले से परेशान मुझे बोला गया जल्दी से क्या कर रहे हो राजकोट के लिए नहीं नीचे नहीं इधर से ही भरा यहाँ से नहीं हो पाएगा क्यों नहीं हो पाएगा चेक करके बताओ ना कौन सा सर अब नियर बाय एयरपोर्ट के ही दे सकते आज सिराचल कोई फ्लाइट नहीं जाएगा आप मुझे एयर इंडिया की फ्लाइट तो है आपके पास आपको मैं काउंटर पर नहीं जाऊंगा मैं वहाँ भी काउंटर पर गया वहाँ भी मुझे बैठा के रखा गया मिलेगा यहाँ से नहीं मिलेगा ये बोर्डिंग गेट है मुझे नहीं सुनना मुझे काउंटर जाना पड़ेगा फ्लाइट चाहिए आपको किसी भी किसी भी सर यहाँ से आपका बैग से आपका यू पीपल टेक अस कौन सा काउंटर कौन सा रखा है साथ ही जाएंगे यू टेक अस वी विल फॉलो यू हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है अब हमें अकेला मन भेज रहे
આના પહેલા જે ઇન્ડિયન રેલવે હતી એના માટે એવી વાત થતી હતી કે ઇન્ડિયન રેલવે ઘડી ઘડી લેટ થાય છે, રેલવેમાં તકલીફ હોય છે, એના કારણે લોકો ફ્લાઇટમાં જાય છે. પણ હવે ફ્લાઇટ ઇન્ડિયન રેલવે કરતાં પણ ખરાબ થઈ ગઈ છે. ઇન્ડિયન રેલવે તો હવે સમયસર આવી જાય છે, પણ મોંઘી મોંઘી ટિકિટો ખરીદી અને લોકો જ્યારે કોઈ જગ્યાએ પહોંચવા માટે પૈસા આપે છે તો એમને સુવિધા નથી મળતી. તમારું આ મામલે શું માનવું છે અમને કમેન્ટ્સમાં જણાવો. અત્યારે આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ. જો તમે અમને યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હોય તો ફોલો કરો, અમારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરો.